ये स्कोडा ऑक्टेविया है, इसको हम ऑयल चेंज करने जा रहे हैं और इसमें इंजन फ्लश डालनी है। ये इंजन फ्लश है, ये डालने के बाद में गाड़ी को 10 मिनट चालू रखना है। उसके बाद में फिर ऑयल खोल फ्लश डालने जा रहे हैं। ये देखिए फ्लश पूरा डालना है। हाँ सर, गर्म है, थोड़ी देर छोड़ देना है हमें, जो ऑयल है सब नीचे गिर जाए, फिर एक मिनट के बाद हम उठाएंगे, नया फिल्टर डालेंगे। फिल्टर हम उठाते हैं, एक मिनट हो गया, ये भी ऑयल है। ये देख सकते हैं, हमें ये भी उठाना है, इसको भी क्लीन करना है। रॉड है, रॉड अंदर रहता है, ये उठा के क्लीन करना है। ऑयल गिर रहा है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये ऑयल है, जितना सब हमें क्लीन करना है इसको, उसके बाद में नया फिल्टर डालेंगे हम। ये रहा नया फिल्टर जो हम बैठाने वाले हैं, कुछ ऐसा है। ये डालेंगे इसमें और इसको पहले क्लीन करेंगे हम, इसको ना क्लीन करेंगे। इसको फेंकेंगे कचरे में, इसको WD-40 रंज रस्ट कार्बोरेटर स्प्रे मार के साफ करेंगे। इसमें बहुत सारा स्प्रे है, तो हम कौन सा लेंगे, ये कार्बोरेटर स्प्रे, इससे क्लीन करेंगे। ये रहा कार्बोरेटर स्प्रे, इसको इसमें मार के क्लीन करेंगे। अभी ये अच्छे से क्लीन हो गया और ये भी क्लीन हो गया, देख सकते हो। अभी इसमें फिल्टर डाल के गाड़ी को 10 मिनट चालू रखना है। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में हम लोग गाड़ी बंद किए, अभी सबसे पहले जैक चलाना है। जैक चढ़ा के हम लोग ट्रे खोलेंगे, ट्रे खोलते टाइम दिखाते वीडियो। जैक चढ़ा के हो गया, अब स्टैंड उधर देना, तो जैक इतना हाइट कर लेना आपको। उसके बाद में हम लोग नीचे जाके, ये देखिए 32 का बॉक्स माना, 12 का बॉक्स माना और 25 का स्क्रू खोलने का लेंगे। ये हम लोग ट्रे जा रहे, एक देख सकते हो, 2, 3 और फिर 2 बोल्ट इधर और 2 इधर, ये सब खोलने हैं हमको, तो ट्रे बाहर आएगा। इंजन ऑयल खोलने जा रहे हैं, इंजन ऑयल खोलते टाइम गर्म रहता है, तो हम तो ध्यान से खोलना। देखिए मैं कैसे ध्यान से खोल रहा हूँ, एकदम आराम से, वरना सीधा प्रेशर मारता है। ये स्लोली 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 इसको ड्राइवर घुमाना है और स्लोली 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 पीछे लेना है। ये देखिए, वरना ये ऑयल गर्म रहता है, क्योंकि इंजन हम 10 मिनट तक चालू रखते हैं ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑयल गर्म रहेगा तो फिर झटका लगेगा तो जल सकते हैं, इसलिए आराम से ऑयल खोलिए। देखो कैसा आराम से ऑयल गिर रहा है, हमने ऑयल खोल लिया। अब इस टाइम बाहर निकाल के जैक को हम डाउन करेंगे, क्योंकि ऑयल टेढ़ा रहेगा तो पूरा नीचे गिरेगा, इसलिए जैक डाउन करेंगे तो ऑयल पूरा अच्छे से नीचे गिर जाएगा, पूरा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद में ये रहा ऑयल फिल्टर, ये रहा एसी फिल्टर। ये नया है और ये जूना का हालत देखो पहले।
ये देखिए एसी फिल्टर नया डालेंगे हम, न्यू ऑर्डर। ये डिप्सी ऐसा निकाल लेना है तो कवर ऐसा निकाल के साइड में रख लेना है। इसके बाद हम ऑयल फिल्टर का बॉडी क्लीन हो गया, हम इसमें फिल्टर बैठाएंगे। फिल्टर में पार्ट नंबर रहेगा वो ऊपर रहेगा, वो दिखना चाहिए, ये देखिए ऐसा दिखना चाहिए। और उसके बाद में हम ओरिंग लगाएंगे बॉडी पे। ऑयल रिंग लगाने का इजी है, सीधा घुसा के ऐसा नीचे खींच देंगे, एक बार में ही बैठ जाएगा आपका। और चलिए चलते हैं। ये लगा दिया हम लोग ने, देख सकते हैं फिल्टर पे हल्का सा, मतलब रिंग पे ऑयल लगा के बाद में ये ऐसा लगाने के हाथ से टच करना है, अच्छे से हाथ से टच करेंगे। पाना से टाइट नहीं होगा तो फिल्टर टाइट कर रहे, तो फिल्टर फाइनली टाइट हो गया। एयर फिल्टर खोल के क्लीन करने वाले, पहले सब स्क्रू खोल के एयर फिल्टर क्लीन करना भी हवा मार। एयर फिल्टर खोल के तो हो गया, अभी हम एसी फिल्टर डालते हैं। आइए दिखाते हैं एसी फिल्टर कैसा है। चलिए फिल्टर डाल ले हमने, ये एयर फ्लो लिखा है ना, जैसे ऐसा एयर वो नीचे रहना चाहिए। मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ तो VW ऐसा ऐसा रहना चाहिए, बराबर परफेक्ट ऐसे पोजीशन में ये अंदर जाएगा। इधर तो हम डालते फिल्टर, आपको बताते फिल्टर गया प्लास्टिक कवर, तीन पॉइंट इधर एक, तो भाई लोग एसी फिल्टर बैठा के हो गया। अभी हम लोग ग्लो बॉक्स बैठाएंगे, तो भाई लोग ग्लो बॉक्स बैठाने के लिए दो हाथ चाहिए, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ है, कैमरा मैं ही पकड़ने वाला हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ग्लो बॉक्स मुझे अकेला बैठाना, सॉरी।